आप उसके द्वार तक तो जाओ, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एक बात कहें मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना, कभी योग लग जाए आपको, कभी शिव मंदिर में कोई भी नहीं, कभी ऐसा योग लग जाए, वैसे तो अब शंकर जी का मंदिर खाली मिलना कठिन है, पर कभी अगर आपको ऐसा योग लगे शिव मंदिर में कि अकेले हो आप, कुछ भी नहीं है आपके पास में, चलेगा, अगर जल हो तो ठीक, बेलपत्र हो तो ठीक, ना हो तो भी, अकेले हो, गाड़ी से जा रहे हो, रोड के किनारे पर एकांतेश्वर महादेव मिल गए, कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, अकेले बैठे हैं, ना उनके पास पार्वती जी है ना गणेश जी है, कहीं कहीं एकांतेश्वर महादेव तो ऐसे हैं कि वहां नंदी भी नहीं है, किसी किसी पेड़ के नीचे भगवान रोड के किनारे बैठे अकेले शिवलिंग, और तुम वहां से निकल कर जा रहे हो, कभी प्रयास करना 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकना, ड्राइवर से कहना भैया थोड़ा रुक जा 2 मिनट, मेरे को बाबा बैठे हैं, जरा बात तो कर लो थोड़ा। रोको जरा रोको, 2 मिनट रोक कर उसके पास बैठ कर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सफाई कर देना, बैठ कर दिल से कह देना, बहुत दुखी हूँ बाबा, पर मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे महाकाल राजा, ये दिल मन चित्त बुद्धि परिवार सब कुछ आप पर सौंप दिया है, अब मेरी जिंदगी के निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको लेना है, और मैं जानती हूँ आप मुझे गिरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप काल अधिपति हो, विनय करो, बैठ कर बात करो, प्रार्थना करो, थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जरा जम के बोलो एक बार, श्री नमस्तुभ्यम, दिल से बोलो उसको, जब आप हम और एक साथ बाबा से प्रार्थना करें वो क्यों ना सुने, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। दुर्वासा ऋषि